सवाल का चांद नजर नहीं आया। आज 30वां रोजा और कल बरोज मंगल को ईद होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। जनूबी पंजाब में भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्तान में मुफ्ती कासिफ फरीदी की जेर सदारत जोनल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। वक्त कम मुकाबला सख्त, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। जनूबी पंजाब भर के बाजारों में गहमा गहमी। ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। मर्द, खवातीन और बच्चे सभी ईद की शॉपिंग में मसरूफ। दुकानदारों और खरीदारों के दरमियान कीमतों पर बहस दीदनी। ईद के रंग अपनों के संग, बड़े शहरों से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। जनूबी पंजाब के बस अड्डों पर रश, किरायों में बेतहाशा इजाफा। ईद होगी खुशगवार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। ईद पर बादल गरजेंगे और खूब बरसेंगे। 2 से 4 मई तक गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने मुल्तान समेत दीगर एयरपोर्ट इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से ईद का तोहफा। बहावलपुर में स्पीडो बस चलाने का ऐलान कर दिया। बोले, सूबा जनूबी पंजाब को जानबूझकर बहरानी कैफियत से दो चार किया गया। इमरान खान आयन तोड़ने वाले को अपना हीरो मानते हैं। लाखों अफराद को बेरोजगार करके तोशाखाना का हिसाब नहीं दे रहे। परवेज इलाही पर भी कड़ी तनकीद। बोले, ये कैसा बाजू है जो रातों रात टूट कर जुड़ जाता है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का डीजल की किल्लत का नोटिस। आला सतही इजलास में जखीरांदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म दे दिया। दौरा बहावलपुर में पहली मीडिया टॉक। बोले, आवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत मजीद कम करने का जायजा लिया गया। आवाम के तहफ्फुज़ और वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ की उल्टी गिनती शुरू। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की मुल्तान से बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सैयद बाबर शाह मुस्लिम लीग नून में शामिल। बाबर शाह साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के करीबी दोस्त भी हैं। और शहर औलिया के वासियों के लिए अच्छी खबर। ईद के मौके पर शाह शम्स पार्क के झूले खुले रहेंगे। ईद के दिन तमाम झूले खुले रहने पर शहरियों का खुशी का इजहार।